नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले तीन या चार वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कवर किया हुआ था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, नदी तंत्र या रिवर सिस्टम मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जब सम्मिलित तरीके से अध्ययन किया जाता है तो उसे ही रिवर सिस्टम या नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से आशय है ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का अध्ययन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र प्रणालियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और इस 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से प्रवाहित होती है, भारत से प्रवाहित होती है और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की इस 2900 किलोमीटर लंबाई में भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह 915-16 किलोमीटर के आसपास ही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार में हिमालय का अनुसरण करती हुई प्रवाहित होती है और तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो या सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। यह यारलुंग सांगपो जब तिब्बत के पठार और अरुणाचल की सीमा पर आती है तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है और इस पर्वत को नामचा बरवा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा पर्वत के समीप यह एक बड़े गॉर्ज का निर्माण करती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अब तक तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता था, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो फिर इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो एक दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। तो इसे आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप पास। दो स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, पहला नामचा बरवा पर्वत और दूसरा यांगयाप दर्रा। नामचा बरवा पर्वत के समीप गॉर्ज का निर्माण करती है और इस गॉर्ज को दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है और जिस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम यांगयाप दर्रा है। ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करने से पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने बृहद हिमालय सीखा हुआ है कि बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसे हिमाद्री या सेंट्रल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय या सेंट्रल हिमालय जैसे ही नामचा बरवा पर्वत के समीप में पहुंचता है यह एक मोड़ लेता है और इस मोड़ को ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। यह जो ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है वो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों को क्रिसेंट शेप में अर्धचंद्राकार रूप में जन्म देता है। और मजे की बात तो ये है बच्चों कि
जब तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो वो ट्रांस वो बृहद हिमालय का अनुसरण करती है, लेकिन जैसे ही हिमालय का ये ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड मुड़ करके पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ियों को जन्म देता है, ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड का अनुकरण करती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक दो बार यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे सवाल पूछा गया है कि तिब्बत के पठार में उत्पत्ति पाने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे विश्व की नदियों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो आप सीखेंगे तिब्बत के पठार से ही एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी क्यांग निकलती है, इसके अलावा तिब्बत के पठार से वांगो नदी निकलती है, इरावदी नदी, मेकांग नदी, सालवीन नदी, ये सारी की सारी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, सतलज भी तिब्बत के पठार से निकलती है, सिंधु भी तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक यू टर्न लेते हुए प्रवेश करती है, इसका कारण क्या है? तो जब आप परीक्षा में इसका कारण बताएंगे तो इसका एक कारण है ड्यू टू द ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालयाज ब्रह्मपुत्र रिवर टेकिंग शार्प यू टर्न इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, और इसका एक ही कारण है हिमालय के पूर्वी अक्ष संघीय नमन के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी एक यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद फिर ये असम में आती है, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है इसको दिहांग से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है वो ब्रेडेड मार्ग कहा जाता है, गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है, और किसी भी नदी का गुम्फित जलमार्ग होने से ऐसा है कि नदी बहती है, फिर इसके बाद में इसकी कई सारी शाखाएं बढ़ जाती हैं, फिर आगे चल करके फिर ये शाखाएं मिल जाती हैं, फिर नदी बहती है, फिर कई शाखाओं में टूट जाती है, और आगे चल करके नदी की फिर सारी शाखाएं मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी के इस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है गुम्फित जलमार्ग, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रेडेड जलमार्ग। और यही कारण है कि गुम्फित जलमार्ग में प्रवाहित होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहुत सारे नदी द्वीपों को जन्म देती है। ऐसा ही एक नदी द्वीप हम सीखेंगे जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में पहचान प्राप्त है, और वर्ष 2016 में असम सरकार के द्वारा इस माजुली द्वीप को एक जिला घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से प्रवाहित होने के बाद में मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां आप सीखते हैं, तो गारो पहाड़ियों के पश्चिम से मुड़ करके ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है, जहां पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और इसी जमुना में आगे चल करके गंगा नदी मिलती है, और आप ये सीख चुके हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना का जब संगम होता है तो इसकी संयुक्त जलधारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके इस पद्मा नदी में मेघना नदी मिलती है, और मेघना नदी के नाम से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जल है वो कई सारी डिस्ट्रीब्यूट में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर निर्मित होता है। इस डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी और पोपा जैसे मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना सुंदरी और नीपा जैसे मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आपने सीखा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और इन सारी सहायक नदियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र की ये जो सहायक नदी है इसको गोल्ड रिवर या सुबनश्री के नाम से जाना जाता है। ये सुबनश्री नदी है, ये कामेंग नदी है बेटा, इसको बेकी नदी कहा जाता है, बेकी नदी भूटान से निकलती है। मानस नदी, मानस नदी का उद्गम भी भूटान से होता है और ये असम में जाकर के मिलती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान से ये नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा संकोच नदी जिसका उद्गम भूटान से होता है और भूटान से निकल करके असम में संकोच नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। संकोच नदी को ही गदाधर नदी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और तीस्ता का उद्गम सिक्किम से होता है। सिक्किम से ये पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में रंगपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सिक्किम की तीस्ता की कुछ सहायक नदियाँ रंगीत, सिवोक, रंगपो, लांचुंग जैसी है, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जो कि राइट हैंड से आकर के मिलती हैं। जैसे सुबनश्री, कामेंग, पगलादिया, बेकी, मानस, संकोच या गदाधर और तीस्ता। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट से भी बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है। इनमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सहायक नदियों में एक दिहांग नदी है, दिहांग नदी हम पढ़ेंगे। लोहित नदी को पढ़ा जाएगा। लोहित नदी के बाद में ये जो नदी है इसको दिहिंग कहा जाता है, दिहिंग नदी। दिहिंग के बाद में नागालैंड से निकलने वाली धनसरी नदी, मेघालय से निकलने वाली कपली नदी और मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, और इसी नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आप जो एक चित्र देख रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की हुई थी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है, और ये गॉर्ज है बेटा, गॉर्ज, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये गॉर्ज बनाया गया है। नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत को के पास से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी अपना गॉर्ज बनाती है। इसको याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि दिहांग गॉर्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कहां पर किया जाता है, नामचा बरवा पर्वत के समीप किया जाता है। दिहांग जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक रैंप वैली में प्रवाहित होती है। वैली कई प्रकार की होती हैं, जैसे रिफ्ट वैली में भारत में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तापी नदी प्रवाहित होती है, ऐसे ही एक रैंप वैली होती है। और कश्मीर घाटी भी एक प्रकार की वैली है, कुल्लू मनाली ये भी एक प्रकार की वैली है। हालांकि जो कश्मीर घाटी है उसका संबंध फोल्डेड माउंटेन से है, कुल्लू मनाली का संबंध फोल्डेड माउंटेन से है। भारत में जो नर्मदा रिफ्ट वैली है या तापी रिफ्ट वैली है उसका संबंध ब्लॉक माउंटेन से है। और हम लोगों ने जो रिफ्ट वैली पढ़ी है उसमें ये सीखा हुआ है कि अगर कहीं पर दो पैरेलल फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी पर सतह पर एक फॉल्ट ये क्रिएट हो गया, एक फॉल्ट ये क्रिएट हो गया, ये दो पैरेलल फॉल्ट है, और इन दो पैरेलल फॉल्टों के अगल बगल के जो भाग हैं वो तो स्थिर रहे, ये वाला पोर्शन स्थिर रहे, ये वाला पोर्शन स्थिर रहे, लेकिन बीच का भाग अगर नीचे धस जाए तो फिर ऐसी वैली को रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नर्मदा और तापी जैसी नदियां ऐसी ही रिफ्ट वैली में बहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो रिफ्ट वैली में ना बह करके रैंप वैली में बहती है। तो रैंप वैली बेटा किसे कहा जाता है? रैंप वैली को आइए समझते हैं। मान लीजिए ये सतह पर एक फॉल्ट यहाँ पर बना और दूसरा फॉल्ट यहाँ पर बना, ये दो पैरेलल फॉल्ट क्रिएट हो गए।
अब इन दो पैरेलल फॉल्ट में, इन दो पैरेलल फॉल्ट में इसके अगल बगल के जो भाग है वो तो ऊपर उठे, अगल बगल के जो भाग है वो तो ऊपर उठे, लेकिन बीच का भाग यदि स्थिर रहे, बीच का भाग यदि स्थिर रहे तो ऐसी वैली को ही रैंप वैली के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में रैंप वैली का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक, अब इसको रैंप वैली इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जिस रास्ते से होकर के प्रवाहित होती है उसके एक तरफ हिमालय पर्वत है जो कि अपेक्षाकृत ऊंचा उठा हुआ भाग है, दूसरी तरफ हिमालय का ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों को जन्म देता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिस रास्ते से बहती है उसके एक तरफ हिमालय के रूप में ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां पाई जाती हैं वो भी अपेक्षाकृत है ऊपर उठा हुआ भाग है। और बीच में ये लो लाइंग जो एरिया पड़ता है, ये जो लो लाइंग एरिया पड़ता है यही लो लाइंग एरिया रैंप वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी किस प्रकार की घाटी है, इसका सही जवाब है रैंप वैली है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की राइट हैंड साइड की जो सहायक नदियां हैं वो हम सीखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी की राइट हैंड साइड की सहायक नदियों में सबसे पहली एक नदी आती है सुबनसिरी नदी। ये जो नदी है ये सुबनसिरी नदी है, इसे गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नदी कामेंग नदी है, तीसरी नदी पगलादिया है, चौथी बेकी है, पांचवी मानस है और छठवीं संकोस है। एक एक करके हम इन नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जहां तक सुबनसिरी नदी का सवाल है तो इसको आपको याद रखना है, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, यह भी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हुई असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। एक जिला पड़ता है जिसका नाम है लखीमपुर जिला, तो लखीमपुर जिले में यह सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिल जाती है। जहां पर सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है जिसका नाम हम लोगों ने पहले बताया है माजुली आइलैंड। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जहां तक कामेंग नदी का सवाल है, कामेंग नदी का उद्गम तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से होता है। यहाँ से कामेंग नदी निकलती है और कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रवाहित होती हुई असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कामेंग नदी को ही भरेली या जिया भरेली नदी के नाम से जाना जाता है। जब कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है तो इसको भरेली नदी कहते हैं, असम में इसको जिया भरेली के नाम से भी जाना जाता है। कामेंग नदी की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए कि पक्के टाइगर रिजर्व किस नदी से प्रवाहित है तो इसका सही जवाब होगा कामेंग नदी। असम के अरुणाचल प्रदेश से में प्रवाहित होने के बाद में असम के सोनितपुर जिले से ये असम में प्रवेश करती है। और असम में एक जिला पाया जाता है जिसका नाम है तेजपुर जिला। तेजपुर जिले में कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ऐसे ही एक नदी है पगलादिया नदी। जो पगलादिया नदी है वो भूटान से निकलती है और असम में एक जिला पाया जाता है नलबाड़ी जिले में ही पगलादिया नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है पगलादिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भूटान से होता है। भूटान से उद्गमित होने वाली अन्य जो दूसरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उसका नाम है बेकी नदी।
बेकी नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से होता है और यह भूटान तथा असम से प्रवाहित होती हुई असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद में मानस नदी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। मानस नदी का उद्गम भी भूटान के दक्षिणी सिरे से होता है और भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश से असम से प्रवाहित होती हुई मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। असम में एक बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क पाया जाता है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसको मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो मानस नेशनल पार्क किस नदी के द्वारा अपवाहित है? इसका सही जवाब है मानस नदी के द्वारा अपवाहित है। मानस के बाद में नेक्स्ट नदी है संकोस नदी। इस संकोस नदी को गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। गदाधर नदी भी इसको कहते हैं और संकोस नदी का उद्गम भी भूटान से होता है। भूटान तथा असम से प्रवाहित होती हुई यह संकोस नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि पगलादिया नदी, इसका उद्गम भूटान से होता है। बेकी नदी, इसका उद्गम भूटान से होता है। मानस का उद्गम भूटान से होता है और संकोस का उद्गम भी भूटान से होता है। आगे हम भारत की कुछ बहुद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे। इन बहुद्देशीय परियोजनाओं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में संकोस परियोजना पूछी जाती है कि संकोस परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? इसका सही जवाब है संकोस परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ऐसे ही भारत और भूटान की कुछ और संयुक्त परियोजना है, जैसे चुखा परियोजना। बेटा आगे भूट और हम कुछ सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। ये तो अभी हमने जो चर्चा की वो सारी की सारी ब्रह्मपुत्र नदी की राइट हैंड साइड की सहायक नदियां थी। राइट हैंड साइड की सहायक नदियों में एक और नदी रह गई है जिसका नाम है तीस्ता नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और सिक्किम में चोलामू झील तथा जेमू ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। सिक्किम से निकल करके यह नदी पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में रंगपुर के समीप में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तीस्ता नदी। सिक्किम में एक जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन पाया जाता है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका सही जवाब है तीस्ता नदी। इसके अलावा कलिपोंग जैसे जो हिल स्टेशन है वो भी तीस्ता नदी के किनारे ही स्थित है। तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है और कभी कभी समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर वगैरह में तीस्ता जल विवाद चर्चा में आता है। तो आपसे अगर तीस्ता जल विवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप बताएंगे तीस्ता जल विवाद का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता की कुछ सहायक नदियां हैं और तीस्ता की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रंगीत नदी। रंगीत नदी का उद्गम भी सिक्किम से होता है और यह सिक्किम और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की सीमा में तीस्ता नदी से मिल जाती है। बेटा रंगीत एक इम्पॉर्टेंट नदी है और यह नदी रिवर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है क्योंकि इस नदी के द्वारा छिप्रका बनाई जाती है और आमतौर पर जिन नदियों के द्वारा रैपिड्स या छिप्रका का निर्माण किया जाता है वो नदियां रिवर राफ्टिंग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती हैं। तो रंगीत नदी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। रंगीत के अलावा तीस्ता की एक अन्य सहायक नदियां है जिसे सिवोक के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद रखेंगे सिवोक के अलावा रंगजो, ये भी तीस्ता की सहायक नदी है। लांचुंग, ये भी तीस्ता की सहायक नदी है। तो रंगीत, सिवोक, रंगजो, लांचुंग, ये सारी की सारी तीस्ता की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में एक विशेष तथ्य ये भी है कि 1787 के पहले
तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ना होकर के गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 के बाद में इसने गंगा का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मपुत्र का साथ पकड़ लिया, तो 1787 के बाद में अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट है। और हिमालयन नदियों की विशेषता होती है, नदी अपहरण का जो कॉन्सेप्ट है वो हिमालयन नदियों के साथ में सटीक बैठता है। आगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में हम लोग चर्चा करते हैं, ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियां, बाएं हाथ की सहायक नदियों में एक प्रमुख नदी है दिबांग नदी। दिबांग नदी, दिबांग नदी का जो उद्गम है, दिबांग नदी का जो उद्गम है वो नामचा बरवा पर्वत के समीप से होता है दिबांग नदी, और अरुणाचल प्रदेश तथा असम से प्रवाहित होती हुई असम में यह दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दिबांग के बाद में लोहित नदी, लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश से होता है, पूर्वी हिमालय से होता है, और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम से प्रवाहित होती हुई ये सादिया के पास में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये जो जगह आपको यहाँ पर दिख रही है, इस जगह को सादिया कहा जाता है, और असम में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पासीघाट जिला। पासीघाट जिले में सादिया एक जगह है। दिबांग और जो लोहित नदियां हैं वो सादिया के पास में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। सादिया बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है सादिया क्योंकि सादिया से लेकर के जो धुबरी है, ये जो प्लेस है इसको धुबरी कहा जाता है। सादिया से लेकर के धुबरी तक का ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग है इसे नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी पर है, और गंगा नदी में जो कोलकाता हल्दिया से लेकर के गंगा नदी कोलकाता हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद, कोलकाता हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक गंगा नदी का जो जलमार्ग है उसको नेशनल वाटरवे 1 घोषित किया गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है जिसको 1986 में घोषित किया गया था। इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर के आसपास है। उसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है उसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है, और ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से लेकर के धुबरी तक का जो जलमार्ग है ब्रह्मपुत्र का उसको नेशनल वाटरवे 2 कहा गया है। और बेसिकली सादिया से लेकर के धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी का जितना भी एरिया है उसी को ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम से जाना जाता है, और यह असम के अंतर्गत आता है। तो नेशनल वाटरवे 2 किस राज्य में है, इसका सही जवाब है असम में है। तो दिबांग और लोहित नदियां, जिनमें से दिबांग नदी नामचा बरवा पर्वत के समीप से निकलती है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया के पास में मिलती है। लोहित नदी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, परीक्षा में पूछा जाता है परशुराम कुंड के बारे में। यह परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है। परशुराम कुंड कहाँ पर है, तो परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है, हिंदू पिलग्रिमेज है, हिंदुओं के लिए परशुराम कुंड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रसाद योजना वगैरह, तो इन योजनाओं के तहत परशुराम कुंड का विकास किया जा रहा है। अगर पूछा जाए परशुराम कुंड का संबंध किस नदी से है या किस नदी के किनारे है, तो इसका सही जवाब होगा लोहित नदी। लोहित नदी अपने धौला सादिया पुल के कारण भी महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है उस नदी पुल का नाम है धौला सादिया पुल। इस पुल की लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है, और यह इस पुल के बनने से पहले भारत का सबसे लंबा नदी पुल
पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन अब महात्मा गांधी सेतु से भी बड़ा भारत का नदी पुल है धौला सादिया पुल। असम में एक प्रसिद्ध फोक गायक हैं जिनका नाम है भूपेन हजारिका थे बल्कि जिनका नाम है भूपेन हजारिका इन्हीं भूपेन हजारिका के नाम पर इस पुल का नामकरण किया गया है धौला सादिया पुल। और भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप दिबांग और लोहित नदियों से याद रखेंगे। दिबांग और लोहित नदियों से निकल चल करके आगे हम लोग धनसिरी नदी की चर्चा करते हैं। धनसिरी नदी, इस धनसिरी नदी का उद्गम नागालैंड से होता है और नागालैंड में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है लेसांग पीक। तो नागालैंड के लेसांग पीक से धनसिरी नदी का उद्गम होता है और धनसिरी नदी नागालैंड से निकल करके असम में जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नागालैंड में एक नेशनल पार्क पाया जाता है और इस नेशनल पार्क को इंटक नेशनल पार्क कहते हैं। इंटक नेशनल पार्क से जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो धनसिरी नदी ही है। नागालैंड में धनसिरी के अलावा कुछ अन्य नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जैसे एक नदी का नाम है देसांग नदी, वो भी नागालैंड से प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसकी एक सहायक नदी दोयांग है। इसके अलावा नागालैंड से उद्गमित होने वाली तथा ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली दिखू नदी है। दिखू के बाद में मेलक नदी, छाते नदी, ये सारी की सारी नदियाँ नागालैंड से निकलती हैं और ये असम में जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कपिली नदी, इसके बाद में कपिली नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदी है। कपिली नदी का उद्गम मेघालय से होता है। मेघालय में आप पढ़ते हैं कि मेघालय में तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पश्चिम में गारो की पहाड़ियां, फिर खासी की पहाड़ियां और फिर जयंतिया की पहाड़ियां। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहाड़ियां हैं ये और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर मेघालय में गारो, खासी तथा जयंतिया नाम की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जिसे मौसिन राम के नाम से जाना जाता है, यह मौसिन राम खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मौसिन राम के पहले चेरापूंजी पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था और चेरापूंजी भी खासी पहाड़ियों में ही है। तो खासी पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि खासी पहाड़ियों पर ही ये जो बीच में है, गारो और जयंतिया के बीच में है, ये खासी पहाड़ियाँ हैं। खासी पहाड़ियों में ही मौसिन राम तथा चेरापूंजी स्थित हैं जो कि पूरी दुनिया में अब सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। जब भारत की जलवायु पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर इतनी अधिक वर्षा का कारण क्या है, क्योंकि खासी, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों का जो आकार है वो कीप के आकार का है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं इन कीप के आकार की पहाड़ियों में ट्रैप हो जाती हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा करती हैं। तो जो कपिली नदी है कपिली नदी का उद्गम जयंतिया पहाड़ियों से होता है। कपिली नदी का उद्गम जयंतिया पहाड़ियों से होता है और जयंतिया पहाड़ियों से निकल करके ये कपिली नदी असम में जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कपिली नदी के बाद में जो है एक कपिली नदी के साथ में एक फैक्ट और है, वो है कापरूप नगर का। इससे पूछा जाता है पेपर में, ये असम में पड़ता है बेटा कापरूप नगर, कि असम का कापरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा असम का कापरूप नगर कपिली नदी के तट पर स्थित है। और जो कपिली नदी है
वो कार्बी एबलोंग जिले में, जो कि जयंतिया पहाड़ियों से निकलती है कपिली नदी, और असम के कार्बी एबलोंग डिस्ट्रिक्ट में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कार्बी एबलोंग भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बी एबलोंग की पहाड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं, इसका सही जवाब होगा असम। असम में कार्बी एबलोंग नाम की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, और असम में कार्बी एबलोंग नाम का एक जिला भी है। ठीक है, आगे आगे इसमें कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। सुबनसिरी नदी से, जिसको हमने अभी पढ़ा, सुबनसिरी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, और यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 तक 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी, और इन 2 यूनिट से 500 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद में जो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल 8 यूनिट लगेंगी, और इन 8 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए है, 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है, और यह प्रोजेक्ट एक प्रकार का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से आशय है कि इसमें पानी को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, इसमें डैम एम वगैरह नहीं बनाए जाएंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सुबनसिरी नदी से कुछ करंट रिलेटेड सवाल हो गया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की एक और सहायक नदी है, जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। बराक नदी को मेघना के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक बराक नदी का सवाल है, बराक रिवर, तो बराक नदी का उद्गम मणिपुर से होता है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर से होता है। मणिपुर से यह नदी प्रवाहित होकर के मिजोरम में जाती है। मिजोरम से फिर ये प्रवाहित होकर के असम में जाती है, और असम से फिर यह बांग्लादेश में जाती है, और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी को बराक नदी है। अब बराक नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से ही जाना जाता है। और फाइनली फाइनली हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और पद्मा और जमुना आपस में मिलती है, तो इनकी संयुक्त जलधारा को पद्मा कहते हैं। इधर मणिपुर की पहाड़ियों से आने वाली जो बराक नदी है, वो जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको मेघना कहते हैं, और पद्मा और मेघना की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। बाद में मेघना कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो है बट करके डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इसमें अगर आप बहाव देखना चाहें मेघना नदी का, तो मेघना नदी का जो उद्गम है वो मूल रूप से बराक नदी के रूप में होता है मणिपुर से, और इस प्रकार से मेघना नदी मणिपुर जाती है। मणिपुर और असम की सीमा का निर्धारण करती हुई मिजोरम जाती है। मिजोरम से फिर यह असम में जाती है, और असम से फिर यह बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसी नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है, और आगे चल करके यह मेघना नदी कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है,
और डेल्टा का निर्माण करती है। इसी डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि हमने सीखा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस डेल्टा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यह डेल्टा चाप के आकार का डेल्टा है, चाप के आकार का डेल्टा है। देखते हैं इस डेल्टा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आकार में चापाकार डेल्टा है, इसे आप याद रखेंगे, चापाकार डेल्टा है। और नेचर अगर इसका देखा जाए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, तो यह डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा है, प्रोग्रेसिव डेल्टा है, प्रोग्रेसिव डेल्टा। जब डेल्टा लगातार रूप से बढ़ता रहता है तो ऐसे डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, मिस्र में नील नदी का डेल्टा, ये सारे के सारे डेल्टा चाप के आकार के डेल्टा है। इसी प्रकार से अमेरिका में जो मिसौरी और मिसिसिपी नदी तंत्र है, मिसौरी और मिसिसिपी नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, ये मिसौरी और मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है अमेरिका में। इस प्रकार से ये अमेरिका है, एक रफली डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं, ये अमेरिका है। अमेरिका में जो मिसिसिपी नदी है वो ग्रेट लेक्स के पास में एक इटास्का झील पाई जाती है, इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है, और रॉकी पर्वत से मिसौरी नदी निकलती है। मिसौरी बेसिकली मिसिसिपी की सहायक नदी है और मिसिसिपी मुख्य नदी है। मिसिसिपी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ये मेक्सिको की खाड़ी है बेटा। और मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, महत्वपूर्ण डेल्टा है, कई परीक्षाओं में से पूछा गया है, और इस डेल्टा को पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। पक्षीपाद डेल्टा यानी बर्ड फुट डेल्टा इसको बोला जाता है, बर्ड फुट डेल्टा। तो आकार में अगर देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये चाप के आकार का डेल्टा है, और मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पूछा जाए तो फिर ये बर्ड फुट डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, अमेजन का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, ये सारे के सारे प्रगतिशील डेल्टा है, क्योंकि लगातार नदियों के द्वारा इस डेल्टा को आगे बढ़ाया जा रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में चार और बिल पूछे जाते हैं। चार क्या है, बिल क्या है? तो डेल्टा के जो ऊपर उठे हुए भूभाग होते हैं उनको चार कहा जाता है, और डेल्टा के जो नीचे धसे हुए भाग होते हैं जहाँ पर आमतौर पर जल भरा रहता है उसे बिल कहा जाता है। सपोज दैट, ठीक, इस प्रकार से तो यहाँ पर जो जल भरा हुआ है डेल्टा वाले भागों में जहाँ पर जल भरा हुआ है उसको बिल कहा जाता है। और डेल्टा के जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं उनको चार के नाम से जाना जाता है। चार में आमतौर पर मानव अधिवास जैसी चीजें पाई जाती हैं, और बिल में जल भरा रहता है, तो उसे आप याद रखेंगे। चार क्या है, बिल क्या है? डेल्टा के ऊपर उठे हुए भागों को चार कहते हैं, और डेल्टा के नीचे धसे हुए भागों को जिसमें आमतौर पर जल भरा रहता है उसे बिल कहा जाता है। जैसे असम में तमाम सारी ऐसी झीलों के नाम हैं जिनके साथ में बिल लगा हुआ है, जैसे दीपोर बिल, ये झील असम में पाई जाती है। ऐसे ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है एक पुल बना हुआ है जिसको बोगीबिल पुल के नाम से जाना जाता है, बोगीबिल पुल। और यह पुल, बोगीबिल जो पुल है, ये पुल असम के डिब्रूगढ़ को धीमा से जोड़ता है।
डिब्रूगढ़ है, इम्पोर्टेंट है डिब्रूगढ़। अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा असम में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क से दिफलू मोरा जैसी नदियां भी प्रवाहित होती हैं, इसे भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा कई सारे डैम का निर्माण किया गया है और कभी कभी भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर के विवाद की स्थिति आ जाती है। तो बहुत सारे करंट ट्रेडेड इशू हैं ब्रह्मपुत्र नदी से और इन सारे के सारे इशू की जानकारी आपको न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त करती रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार नदियों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो परंपरागत ना होकर के करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो करंट से भी नदियों को आपको जोड़ करके पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतना ही, और अगले जो लेक्चर होंगे हमारे, अगली जो क्लास होगी, अब हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो है अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।